सो हेलो एवरीवन, मैं रवि प्रजापति स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, मैं ये जो वीडियो लाया हूँ ये एक ट्यूटोरियल है, मतलब डांस वीडियो का नहीं है, डांस वीडियो का ये एक तरह से जो मेरी रील है। मेरी एक रील जो मैंने ऋतिक रोशन सर के सॉन्ग पे डांस किया था, हवाओं ने ये कहा, उसकी जो सेकंड लाइन है, तो उस पर मैंने जब से जो रूटीन डाला था, तो रील बनाने के बाद यूट्यूब के शॉर्ट जो होते हैं, जैसे यूट्यूब के शॉर्ट्स का ऑप्शन भी होता है, तो मैंने वहाँ डाला था, वो बहुत वायरल हुआ है। और अभी मैंने आज ही देखा है 96 या 94 के आसपास उस पर व्यूज़ हैं, अच्छे खासे लाइक है, तो थैंक यू सो मच उसके लिए पहले। बट उस पर काफ़ी बॉयज़ और बाकी मतलब तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं कि सर आप इसका ट्यूटोरियल डालिए, हमें सीखना है भी। तो बस मैं आज इसीलिए आप सबके पास आया हूँ। आई एम सॉरी थोड़ा लेट हो चुका है, बट मैं थोड़ा शेड्यूल मेरा बिजी था, वेडिंग सीजन भी चल रहा था, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। बट सो गाइस, मैं लेके आया हूँ अब आप लोगों के लिए ये डांस का ट्यूटोरियल, यानी जो रील जिस रील के लिए आपने कमेंट किया उसका ट्यूटोरियल है। सो मैं चाहूँगा आप इस वीडियो में बने रहें, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत सारे डांसेस देखने को मिलेंगे हर स्टाइल में, और आई होप कि मेरा चैनल आपको पसंद आएगा। बट जो भी ये रूटीन सीखना चाहता है, जो भी ये डांस सीखना चाहता है, तो उस वीडियो को कंटिन्यू देखें। इस पर मैंने एक एक उस डांस रील की एक एक डिटेल दी है, मैंने कौन सा स्टेप कब किया है, कौन सी बीट पे किया है, ये चीज़ें मैंने इस वीडियो में समझा, इस ट्यूटोरियल में समझाई, तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आएगा। राइट और लेफ्ट का थोड़ा सा आप देखना, मैंने ऑप्शन में लिखा हुआ भी है वैसे तो, बट अब कोशिश करना है इसको कॉपी करने की। और अगर आप कॉपी करें तो प्लीज मुझे टैग करें, मेरे इंस्टाग्राम आई डी है ravi_mj1 के नाम से, मैं जरूर आपके साथ प्रदान करूंगा। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं रूटीन की तरफ। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं रूटीन। तो देखो, इसमें सबसे पहले जो म्यूजिक चल रहा है, जो क्लैप होती है, जिसे अर्थन सॉन्ग में भी क्लैप है, जिसे ये क्लैप चलती है, तो उस क्लैप में मैंने नॉर्मल से शोल्डर्स को मूव किया है, टक 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 टक, ओके। उसके बाद आपको यहां से करना है 5 6 7 2, इजीली ये चल रहा है सिंपल म्यूजिक। उसके बाद मैं तो जैसे मेरे स्टूडेंट के साथ मस्ती करने के हिसाब से बैठा था कि वो मोहब्बत ही नहीं, आप इसी को पॉइंट अप कर सकते हैं, जैसे वो मोहब्बत ही नहीं जिसमें दिल लुट गए, इसका वापस म्यूजिक है, म्यूजिक है। उसके बाद इस सेम मैं रिपीट है बट फास्ट म्यूजिक के साथ, तो इसमें मैंने जो स्टेप किया है वो है ये 5 6 7 2 1, वापस देखो एक बार, दोनों लेग्स ओपन हो गए स्टेप, ओके। और उसके साथ हैंड्स भी ओपन हो रहे, तो जो लेग जैसे राइट साइड में मैंने ओपन किया मेरे, तो राइट हैंड बैक है और लेफ्ट हैंड स्ट्रेट है, तो 5 6 7 2 1, देन स्टेप 2 and step 3 and 4 continue, ठीक है, फिर वापस देखो 5 6 7 2 1 2 3 and 4, ओके। तो सेम चीज है 5 6 7 and 8, तो इसको छोटा सा रखने के लिए मैंने क्या किया 1 and, और सीधा इसको 2 and 3 and 4, ठीक है, and 5 and 6 and 7 and 8, easy है। तो ये उसी वर्ड पे है, वो मोहब्बत ही नहीं, वो मोहब्बत ही नहीं। उसके बाद यहाँ से जिसमें दिल टूट गया, ये आया 5 6 7, वो मोहब्बत ही नहीं जिसमें, तो अब जिसमें क्या हो रहा है, ये जो राइट लेग है मेरा बोल पे है, उसको मैंने लिया क्रॉस एंड ओपन, तो राइट लेग को पहले करना है क्रॉस एंड हैंड हैंड ओपन कर लेना है, ठीक है, सिंपल है 5 6 7 2 क्रॉस एंड ओपन, ठीक है, जिसमें यार जिसमें दिल, फिर ये है लेफ्ट साइड में 1 and 2 3 and 4 5 and 6, तो ये जो वॉक है ये सिंपली 1 and 2 3 and 4 5 and 6 and 7 and 8, इजी है। अब चाहो मैं जूम से बता दूं, और मैं लेग मूवमेंट बता दूं, लेग मूवमेंट देखोगे आप ये चलेगा 1 and 2 3 and 4 5 and 6, तो वर्डिंग कहां तक की है, अभी तक 5 6 7 2, वो मोहब्बत ही नहीं जिसमें दिल लुट गए। अब यहां से अगला वर्ड आ रहा है देखे कुर्बानियां, तो यहां पर मैंने सुसाइड के तीनों सिंबल दिखाए, जैसे फर्स्ट सिंबल आया स्टेप, राइट हैंड को आपको अपने गले पे करना, स्टेप चक्कर को मत लेना भाई, ओनली राइट हैंड से देखे, फिर फांसी का बंदा बनाने वाला स्टेप कुर्बानियां, अंदर 1 2, अब यहां से लेफ्ट हैंड को
तो न स्टार्ट करें वो चीज, ठीक है। ये सारे स्टेप मैंने हैंड से किए, एक चीज बता, ओरिजिनल इक्विपमेंट यूज नहीं करना आपने। अपन ये 5-6-7 दो देखे उर बा, फिर ये जो लेफ्ट लेग है ये जा रहा है राइट लेग के पीछे, ठीक से देखो। अपन क्या थ्री स्टेप 1 2 3 एंड स्टेप देन रोल और स्टार्ट। एक बार और देखो 5-6-7 को स्टेप लेफ्ट लेग को राइट लेग के पीछे रखा और टर्न हो गया पूरा एंड डाउन डाउन हो गया। डाउन होने के बाद आपको ऐसे नहीं बैठना, बिल्कुल ऐसे नीचे सीधा नहीं बैठना, ये ऐसे स्ट्रेट रहना है, ओके। फिर उसके बाद में यहां से अपर यंचिंग लेवल से वेव जाएगी, स्टेप दोनों नीज बाहर गए, दोनों नीज अंदर आए वापस एंड स्टेप। ये जो मैंने वेव किए म्यूजिक पे, आप एक बार रील को वापस देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने कौन से म्यूजिक पे ये स्टेप किया। एक म्यूजिक आया टन 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 टन, ये जाएगा 5-6 टन 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 टन, ठीक है। वो सोच ले सोच ले, ये जो लेफ्ट हैंड है इसे राइट हैंड को ऐसे, ये जो कलाई है इसको घुमाना है सच सर, ओके। सोच ले जाने मन, जाने मन में दोनों ऐसे आएंगे जाने मन, फिर यहां से स्टेप खड़े होंगे सीधा, स्टेप हमको मिलने, तो ये क्या स्टेप स्टेप स्टेप, ये करने के बाद 5-6 हमको मिलना है हम, अब पे दोनों हैंड को जॉइंट करके वेव दे। अब उसके बाद अगला पड़ा है आगे पीछे नहीं, तो राइट लेग को आगे रखना है स्टेप, मीन दैट आगे रखे बस जाना, आगे नहीं जाना है क्योंकि वो आगे पीछे है, तो पड़ा तो 5-6 को आगे पीछे नहीं, तो लिया राइट लेग को आगे रखा स्टेप वापस पीछे ले गया, तो 5-6 को राइट लेग आगे 1 लेफ्ट लेग क्रॉस हो गया वापस राइट लेग को पीछे जाए पीछे नहीं, 5-6 को आगे पीछे नहीं साथ, तो इसमें क्या किया राइट लेग पीछे है ना इसको आगे वापस बराबर ले जाए, 5-6 को साथ चलना है अब सिंपल वॉक डन। तो गाइस इस सॉन्ग को मैंने यहीं तक बनाया था, जहां तक मैंने बनाया है वहां तक मैंने आपको दे दिया है मटेरियल, आई होप कि आप इसको अच्छे से देखोगे अच्छे से समझोगे और इसको कोशिश करोगे कॉपी करने की, और जो भी कॉपी करे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मैं कोशिश करूंगा इसको लिख दूं, RaviMJ186 के नाम से मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे, आप मेरे साथ कॉलैब कर सकते हो उसको कॉपी करके, मैं जरूर एक्सपेक्ट करूंगा। सो मुझे मैसेज भेजें और मेरा मेरी रील जो भी आपको अच्छी लगे, जैसे यूट्यूब पे आप अगर मेरे चैनल पे नए हो अभी फर्स्ट टाइम हो तो आप वीडियोस देखो, और जो देखते हैं जैसे इस रील के लिए आप लोगों ने कमेंट किया है वैसे और भी मेरी मेरे शॉर्ट्स देखिए, मेरी रील देखिए और मेरे डांस रूटीन देखिए, आप जिस रूटीन के लिए मुझे बोलोगे मैं उसका ट्यूटोरियल डालूंगा। थैंक यू सो मच।